अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो A12 3GB रैम और रियलमी C12 ये भी 3GB रैम। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आया है और इसमें दो तीन वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन हमने दोनों का सेम वेरिएंट लिया है, 3GB रैम विद 32GB रोम वाले दोनों डिवाइसेस हैं। ये डिवाइस C12 भी लॉन्च हुई है रियलमी की तरफ से 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर, जबकि ओप्पो A12 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है 20,000 रुपीज़ की। 20,000 और 22,000, 2,000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस है। और देखेंगे स्पेक्स में क्या डिफरेंस है। मेन यहाँ पे स्पेक्स बताऊँ डिफरेंस, तो यहाँ पे P35 की चिपसेट मिल रही है MediaTek Helio P35, और यहाँ पे MediaTek Helio G35 की मिल रही है। तो यहाँ पे P और G के ना जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, वो चेक करेंगे और लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सी डिवाइस बेस्ट रहेगी कैमरा कंपेरिजन में, गेमिंग में और डिस्प्ले वगैरह में। हर चीज़ में डिसाइड करेंगे कि 20,000 से 22,000 रुपये के दरमियान C12 आपको लेना चाहिए या ओप्पो A12 पे ही रहना चाहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे है मेरे पास दोनों डिवाइसेस, राइट साइड पे है ओप्पो A12 और लेफ्ट साइड पे है रियलमी C12। दोनों 12 हैं, ये रियलमी है और ये ओप्पो है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। और डिज़ाइन के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फ़र्क दोनों डिवाइसेस के साइज़ के अंदर, डिस्प्ले साइज के अंदर। यहाँ पे A12 छोटी है डिस्प्ले साइज़ के अंदर, जबकि C12 बड़ी है डिवाइस में। यहाँ पे 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है A12 में और 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है C12 में। तो जो बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं 6.5 इंच का, वो यहीं पर ही देख सकते हैं, डिफरेंस आपको यही नज़र आ जाएगा। बड़ा डिस्प्ले है C12 के अंदर है और छोटा डिस्प्ले 6.2 का यहाँ पे। और दोनों में HD+ डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे दोनों के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच है। यहाँ पे C12 नाम देता है इसको मिनी ड्रॉप नॉच और A12 नाम देता है वाटर ड्रॉप नॉच। तो हैं दोनों की सेम चीज़ें, ही नाम अलग अलग देते हैं यहाँ पे। और IPS LCD ही मिल रही है दोनों डिवाइसेस के अंदर। रेजोल्यूशन यहाँ पे सेम है, 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल रहा है। पिक्सल डेंसिटी के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं है। C12 के अंदर मिल रही है 264 PPI की और A12 में मिल रही है 270 PPI की। तो यहाँ पे ज़्यादा पिक्सल डेंसिटी में मिल रही है। इसी तरह स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखें तो यहाँ पे 88% मिल रहा है C12 में और A12 में मिल रहा है 89%। यहाँ पे दोनों की चिम सेम है, चिन जो है वो सेम है साइज़। यहाँ पे बेजल दोनों के एक बराबर हैं, ना होने के बराबर हैं। और यहाँ पे नॉच का एरिया भी दोनों का बराबर ही है। एस्पेक्ट रेशो देखें C12 के अंदर 20:9 का है, 6.5 इंच का डिस्प्ले होने की वजह से। और यहाँ पे 19:9 का एस्पेक्ट रेशो है 6.22 इंच का डिस्प्ले होने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें तो C12 में मेंशन नहीं है कौन सी ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट साइड पे, जबकि A12 के अंदर मेंशन किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे लगाया गया है। और बैक मटेरियल की बात करें यानी बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों डिवाइसेस की प्लास्टिक बिल्ड है। C12 भी प्लास्टिक बिल्ड में आता है और यहाँ पे हमारे पास A12 भी प्लास्टिक बिल्ड में आता है। दोनों के डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे A12 के अंदर थोड़ा सा क्रिस्टल डायमंड डिज़ाइन है और यहाँ पे C12 के अंदर सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बने हुए क्रिस्टल टाइप के, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है जितने यहाँ पे हमें A12 के अंदर देखने को मिलेंगे। दोनों के कलर्स यहाँ पे C12 के अंदर भी दो कलर्स आते हैं, मराइन ब्लू और कोरल रेड। ये मेरे पास कोरल रेड कलर है और A12 में भी दो कलर आते हैं, ब्लू और ब्लैक। तो ये मेरे पास का ब्लू कलर है और उसका रेड कलर है दोनों डिवाइसेस का। तो आप लोग ये अपनी पसंद है डिज़ाइन किसको पसंद आता है। दोनों के बीच में सेंटर में लगाए गए हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है, इस तरह लगाया गया है शेप में। और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन इसकी जो शेप दी गई है इससे आपको लगेगा क्वाड कैमरा सेटअप है। यहाँ पे तीसरा जो चौथा है वो यहाँ पे LED फ्लैश लगाया गया है, यहाँ पे LED फ्लैश बाहर कैमरे बम्प से। और यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग हुई है, ओप्पो की ब्रांडिंग हुई हुई है। तो ये था डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। इसमें आप अपनी अपनी पसंद है, यानी डिस्प्ले साइज सेम है, डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, रेजोल्यूशन सेम है। बस फर्क ये है कि साइज़ का फ़र्क है। जिसको बड़ा डिस्प्ले अच्छा लगता है C12 की तरफ जा सकता है, और जिसको छोटे डिस्प्ले अच्छे लगते हैं वन हैंडेड यूज़ के लिए और पॉकेट में इजीली आ जाते हैं, तो वो स्मॉल डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं। बाकी चलते हैं दोनों डिवाइस के कैमरों की तरफ। कैमरे के अंदर यहाँ पे फ्रंट पे दोनों डिवाइसेस के अंदर 5 MP कैमरा मिल रहा है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। दोनों के अंदर 5 MP कैमरा है, लेकिन अपर्चर में फ़र्क है। C12 के अंदर F2.0 का अपर्चर है, A12 के अंदर F2.4 का अपर्चर मिल रहा है। बैक कैमरास की बात करें तो बैक पे 13 MP का दोनों के अंदर कैमरा है मेन। C12 में 13 MP का मेन कैमरा है विद अपर्चर F2.2,
2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद अपर्चर f2.4 और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.4, जबकि A12 के अंदर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद अपर्चर f2.2 और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल रहा है विद अपर्चर f2.4। तो ये कैमरास का डिफरेंस है। पिक्चर क्वालिटी कैसी है उसके लिए कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ, फ्रंट कैमरे से भी ली गई और बैक कैमरे से ली गई भी। तो यहाँ पे कुछ कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं और कुछ मैंने पिक्चर्स कैप्चर की हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं C12 के अंदर हमें ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे A12 के मुकाबले में। यहाँ पे नाइट मोड भी मिल रहा है और इसके अलावा पोर्ट्रेट तो दोनों में है। मोर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल लेंस का ऑप्शन भी है, अल्ट्रा मैक्रो लेंस भी मिल रहा है, टाइम लैप्स का मिल रहा है, स्लो मोशन भी मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही सब चीज़ें। यहाँ पे हमें सिर्फ टाइम लैप्स का मिल रहा है, एक्सपर्ट पैनोरामा स्टिकर मिल रहा है, पोर्ट्रेट मिल रहा है, बस इतने ही फीचर्स हैं ओप्पो A12 के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं C12 के अंदर, मैंने कुछ पिक्चर्स भी कैप्चर की हैं दोनों डिवाइसेस की, मैं आपको शो कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों का पोर्ट्रेट मोड पे ली गई पिक्चर है और इसके अंदर ओप्पो A12 में काफ़ी अच्छे कलर्स को कैप्चर किया है, बैकग्राउंड दोनों ने अच्छा ब्लर किया है, C12 का भी अच्छा ब्लर है और A12 का भी अच्छा ब्लर किया है, सब्जेक्ट को फोकस किया है। और ये एक पिक्चर है, दोनों की कलर्स देखें आप कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत अच्छी पिक्चर कैप्चर की है C12 में, रेडमी C12 ने, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं सबको अलग अलग और हर चीज़ को उसने अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फट रहे। जबकि अगर आप देखें A12 के अंदर तो कलर्स थोड़े से डल हैं, उसकी तरह कलर नहीं जिस तरह C12 में कैप्चर किए, तो C12 की पिक्चर्स क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है A12 के मुकाबले में। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, गेमिंग भी करेंगे। और यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे C12 के अंदर MediaTek Helio G35 की चिपसेट मिल रही है और Oppo A12 के अंदर MediaTek Helio P35 की चिपसेट मिल रही है। देखने में G35 की ज़्यादा अच्छी चिपसेट है, न्यू चिपसेट है, और P35 की ओल्ड चिपसेट है। दोनों में 2.3 GHz का ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है और दोनों में GPU सेम है, पावर VR G8320 का GPU मिल रहा है और रैम और रोम के वेरिएंट दोनों सेम है, 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट, दोनों में 3 कार्ड स्लॉट है यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट मेमोरी कार्ड के लिए भी मिल रही है और 2 सिम भी लग सकती हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सबसे पहले मैं आपको Geekbench के स्कोर्स दिखा देता हूँ दोनों डिवाइसेस के, क्या P35 के और G35 के स्कोर्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे चेक किए हैं दोनों के स्कोर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं दोनों के स्कोर्स हैं, सिंगल कोर स्कोर में सिर्फ 1 स्कोर का फ़र्क है, C12 के अंदर 166 है और यहाँ पे 167 है, और यहाँ पे C12 में मल्टी कोर स्कोर ज़्यादा है 974 और यहाँ पे 907 है मल्टी कोर स्कोर। तो C12 का मल्टी कोर स्कोर ज़्यादा है और सिंगल कोर स्कोर में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तो आई थिंक C12 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं दोनों की गेमिंग और एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड। सबसे पहले बैकग्राउंड का एप्लीकेशन डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक साथ क्लिक करेंगे दोनों डिवाइसेस में, सारी एप्लीकेशंस को देखेंगे पहले कौन से डिवाइस लॉन्च करती है, टेम्पल रन पे एक साथ क्लिक करते हैं दोनों डिवाइसेस में, मैंने एक साथ क्लिक की है और देखेंगे कौन से डिवाइस पहले लॉन्च करती है। दोनों में सेम वक्त में ही लोडिंग चल रही है और आई थिंक बिल्कुल सेम वक्त में लॉन्च की दोनों डिवाइसेस ने, कोई फर्क मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों डिवाइसेस के अंदर, अब बिल्कुल सेम वक्त में लॉन्च हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम वक्त में लॉन्च हुई हैं, रियलमी C12 में भी और ओप्पो A12 में भी। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं दोनों डिवाइस के अंदर, ये गेम भी हमारे पास एक साथ क्लिक की है मैंने, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले लॉन्च करती है सबवे सर्फर को, और थोड़ा सा आगे है ओप्पो A12, इसमें माइनर सा बिल्कुल डिफरेंस है C12 के मुकाबले में। देखते हैं कौन सी डिवाइस यहाँ पे A12 में पहले लॉन्च किया, उसके बाद C12 में लॉन्च किया है, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस था। इसके अलावा भी देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं पहले कौन लॉन्च करता है। सॉरी, इस पर क्लिक में थोड़ा सा देर हो गई थी इसलिए हम उसको दोबारा से टेस्ट करेंगे। यहाँ से मैं दोनों को बैकग्राउंड से डिलीट करता हूँ और एक बार फिर टेस्ट करेंगे दोबारा से। आपकी बार सेम वक्त में क्लिक हुई है और थोड़ा सा फ़र्क था, C12 में थोड़ा सा पहले लॉन्च किया है A12 के मुकाबले में, A12 में थोड़ा सा बाद में लॉन्च किया। इंस्टाग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे एक साथ क्लिक की है लेकिन A12 ने जल्दी लॉन्च किया, C12 ने बाद में लॉन्च किया है। यहाँ पे दराज की एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे आपने देखा C12 ने पहले लॉन्च किया है, A12 ने बाद में लॉन्च किया था। तो ये कुछ गेमिंग हो गई है हमारे पास, अच्छा दोनों डिवाइस में पबजी भी है, तो यहाँ पे ग्राफिक भी देख लेते हैं पबजी की ग्राफिक कैसी रहेगी। अगर वैसे तो ये डेम गेमिंग के लिए नहीं, दोनों डिवाइसेस पबजी जैसे गेम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ग्राफिक भी देख लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि गेमिंग एक्सपीरियंस करते हैं तो हीट तो नहीं हो रही डिवाइसेस या कोई लैगिंग तो नहीं है पबजी के अंदर। तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस में लॉन्च हो चुकी है पबजी, स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं ग्राफिक कैसी रहेगी। ऊपर है ओप्पो A12, नीचे है C12, रियलमी C12। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों 12 ही हैं, यहाँ पे ए और सी का फ़र्क है, अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है सी बाद में,
लेकिन देखेंगे परफॉर्मेंस में सी पहले आएगा या ए पहले आएगा। तो यहाँ पे C2F ने देखें आप जल्दी लॉन्च कर दिया है जबकि लोडिंग हो रही है ओप्पो A12 में, और माइक हम कर देते हैं क्लोज, थोड़ा सा यहाँ पे चला के देखते हैं गेम को। कलर स्विच ठीक है, हैंगिंग हो रही है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग वाली हैंगिंग है। अच्छा वाईफाई दोनों में सेम कनेक्ट है, और A12 देखें अभी तक कर रहा है बहुत स्लो है A12 इस मुकाबले में। पहले मैं आपको ग्राफिक भी दिखा देता हूँ C12 की। C12 के अंदर स्मूथ पे मीडियम ग्राफिक मिल रही है, बैलेंस पे मीडियम ग्राफिक मिल रही है, HD पे नहीं जा रही डिवाइस। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें जो ग्राफिक मिलेगी बैलेंस पे मीडियम फ्रेम रेट मिलेगा और स्मूथ पे भी मीडियम फ्रेम रेट मिलेगा, मैक्सिमम यही ब्राइटनेस है। बैलेंस पे रखते हैं मीडियम फ्रेम रेट, और यहाँ पे भी डिवाइस थोड़ी सी हैंग कर रही है लेकिन फिर भी गेम चल रही है। उसके अंदर आप देखें गेम ने बहुत टाइम लिया और अभी भी कह रहा है सर्वर डिज नॉट रिस्पोंड। हालांकि सेम वाईफाई कनेक्ट है दोनों डिवाइसेस के अंदर, एक बार फिर करते हैं कोशिश। हम यहाँ पे मैं साउंड बंद कर देता हूँ C12 का, और हम साउंड ऑन करेंगे ओप्पो A12 का। ओप्पो A12 का साउंड भी देख लेते हैं कैसा होगा। C12 का तो हमने देख लिया साउंड कैसा है, फिर बताऊँगा कि साउंड किसका ज़्यादा है। सर दोनों की डाउन साइड पे ही लगाए गए हैं स्पीकर, सिंगल स्पीकर है। यहाँ पे सब बैक साइड पे मेरे ख्याल से गेम स्टार्ट थी जब हम डायरेक्ट ही प्लेन से स्टार्ट हुए, फ्रंट पे कोई सर्वर का एरर था। चलिए अब तो ये लैंड कर रहा है, हम जरा ग्राफिक देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफिक कैसी है। अच्छा यहाँ पे भी स्मूथ ग्राफिक पे मीडियम फ्रेम रेट मिल रहा है और बैलेंस पे भी मीडियम फ्रेम रेट मिल रहा है, HD पे नहीं जा रहे। तो फ्रेम रेट दोनों का यानी ग्राफिक सेम है क्योंकि GPU सेम था, लेकिन फिर भी देखेंगे दोनों के अंदर हैंगिंग वगैरह तो नहीं है। हैंग कर रही है गेम यहाँ पे ओप्पो A12, ओप्पो A12 काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रही है। कलर्स तो सही हैं ऐसे ही हैं लेकिन गेम हैंग कर रही थी। C12 इसके मुकाबले में फास्ट है, और यहाँ पे आप देखें हैंगिंग नहीं हो रही है, सही चल रही है, और उसके अंदर हैंगिंग थी उस टाइम पे, अभी तो सही ही चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप बड़ी गेम करना चाहते हैं, पबजी जैसी कोई गेम खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रियलमी C12 को। ओप्पो A12 इस जैसी बड़ी गेम के लिए नहीं बनी है डिवाइस, नॉर्मल गेमिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो मजीद हमारी स्पेक्स रह गई हैं उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है बैटरी, और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है बैटरी के अंदर इन दोनों डिवाइसेस में। रियलमी C12 में 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 5000 मिली 6000 mAh बड़ी बैटरी और बड़ी स्क्रीन रियलमी C12 में मिलेगी। और यहाँ पे आपको पुरानी डिवाइस होने की वजह से 4230 mAh की बैटरी मिल रही है। हालांकि अब जितनी डिवाइसेस आ रही हैं वो कम से कम भी 5000 mAh पे आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये पुरानी डिवाइस है ओप्पो A12, तो यहाँ पे आपको 4230 mAh की बैटरी मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे दोनों में फास्ट चार्जिंग नहीं है कोई, दोनों में यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे 4230 mAh की बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और 6000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना ड्रेन होने में लगता है ज़्यादा बड़ी बैटरी है तो। अच्छा इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे रियलमी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है एंड्रॉयड 10 के साथ, जबकि यहाँ पे ओप्पो A12 कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओल्ड है और एंड्रॉयड वर्जन 9 मिल रहा है, एंड्रॉयड 9.5 पे आ रही है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ये अपग्रेड भी नहीं होगी, ये 9 पे ही रहेगी। और यहाँ पे 10 पे रहेगी, और यहाँ पे रियलमी UI 1.0 मिल रहा है, यहाँ पे कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.1 मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज ओप्पो A12 बैकएंड पे है, पुरानी है, और यहाँ पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल रही है। और सेंसर्स की बात कर ले तो दोनों डिवाइस के अंदर बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट भी सेम ही है, और फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दोनों डिवाइस के अंदर मिल रही है। तो ये था दोनों डिवाइस का डिटेल रिव्यू और एक कंपैरिजन, जिसमें हमने ओप्पो A12 को रियलमी C12 से कंपेयर किया, और बहुत सारी जगहों पर रियलमी C12 अच्छा रहा, डिस्प्ले के अंदर भी डिस्प्ले साइज अच्छा है, बड़े डिस्प्ले आजकल पसंद किए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कलर्स ब्राइटनेस भी अच्छी है। उसके अलावा कैमराज में भी यहाँ पे आपको 3 कैमरा मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल रहा था,
तो कैमराज के अंदर भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस मिलने वाली है। C12 के अंदर आपको G35 के अंदर काफ़ी अच्छी गेमिंग मिलने वाली है। आपने देखा पबजी का एक्सपीरियंस भी रहा अच्छा, और बाकी चीज़ें सेम है। बैटरी आपको बड़ी मिल रही है 6000 mAh की, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 20-22 हज़ार रुपये की डिवाइस के अंदर कोई डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो रियलमी C12 की तरफ जा सकते हैं ओप्पो A12 के बजाय। आप ही क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।